मेरा नाम संदीप कौर है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मुझे एलोपेशिया पेशेंट हूँ मैं, और मुझे ये प्रॉब्लम करीबन 6-7 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया, पर जब ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी इसकी वजह से। तो मैंने दिल्ली में एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया इसका, एंड उन्होंने मुझे इंजेक्टेड ऑन माई दैट वन पेजेस। सो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे विद इन अ ईयर फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। एंड फिर मैं यहाँ पे लखनऊ आ गई जॉब, अपनी जॉब छोड़ के, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। तो उसके बाद मुझे थ्रू इंटरनेट की मैंने सोचा कि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके देखती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि बेस्ट, विच वन इज़ बेस्ट वन क्लिनिक इन लखनऊ। सो आई हर्ड सर्च अबाउट डॉक्टर सत्संगीस क्लिनिक। सो आई केम हियर एंड फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी मेरी डॉक्टर के साथ। उनसे बात करके मुझे लगा, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, जैसे उन्होंने मुझे समझाया कि इसके बारे में पूरा, इवन मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से देखा था, जिस तरीके से इस तरीके से कोई पेशेंट्स को डेली नहीं करता। अच्छा, वो चेक करते हैं आपको, इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तो ईच एंड एवरी थिंग उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मुझे केस हिस्ट्री से लेके, बचपन से लेके सब कुछ, मेरा क्या डाइट है, क्या किस तरीके से, सब कुछ उन्होंने चेक किया। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया अपना, मैंने 3 मंथ्स का पैक पहले लिया था। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, उन्होंने मुझे जो डाइट रिकमेंडेड की, एंड मैंने प्रॉपर डाइट, आई हैव स्टार्टेड। पहले बीच के कुछ 1-2 मंथ्स में डाइट फॉलो नहीं कर पाई थी, फिर उसके बाद मुझे सर ने बोला कि नहीं, आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइट ही इसका मेन क्योर है। तो आप डाइट फॉलो करोगे तो आप और जल्दी बेटर फील करोगे। तो मैंने डाइट फॉलो की, और सेकंड थिंग, मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखती थी, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखती थी। अगर नेगेटिव सोचूंगी तो मैं इस चीज़ से रिकवर नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि ये हमारी जो डिजीज़ होती है वो होती है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इस चीज़ को हमें खुद, जैसे कैंसर होता है ये सेम चीज़ वैसे ही होती है, क्योंकि हमें उस चीज़ से रिकवर करना होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे सब कुछ हो सकता है। सो मैंने डाइट फॉलो की, एंड आई एम हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट, एंड आई एम जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच टू डॉक्टर सत्संगीस। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिहाना है, मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे पिछले 8 सालों से एलोपेशिया अरेटा था, कई डॉक्टरों को दिखाया इलाहाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाल आते थे फिर चले जाते थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर सत्संगी क्लिनिक को सर्च किया था, कहीं सुना था, फिर सर्च किया, फिर यहाँ आई, यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पिछले 3 सालों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे, और 1.5 सालों से मुझे फ़ायदा दिख रहा है, और मेरे बाल वापस आ रहे हैं, और इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे बाल वापस आ चुके हैं, और मैं अपना ट्रीटमेंट अभी यहाँ कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, एलयू में बीकॉम, एलयू में ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी। मुझे एलोपेशिया एरेटा था एक बचपन से, जिसका मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत एलोपैथी दवाइयों का यूज़ किया, मेडिकल किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने ट्रीटमेंट कराया, फिर यहाँ पे अलीगंज में गई, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा जो हेयर्स थे भी और रिड्यूस होने लगे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बुरी तरह से डाउन हो गया था, मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कभी निकलेंगे नहीं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए, फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब नहीं कुछ होगा, तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम्हें डॉक्टर सत्संगी के पास जाना चाहिए, तो मैं यहाँ आई,
पहले दिन बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद जब मुझे रिजल्ट दिखने लगे तब मुझे अच्छा लगा, हाँ मुझे लगा कि हाँ मैं सही जगह पर आया और मेरे हेयर्स में कुछ इफेक्ट दिखा, मेरे स्कैल्प पे हेयर्स आने लगे, मुझे अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा कि हाँ अब हेयर्स भी ग्रो होंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद बहुत मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डेवलप हुआ। फिर यहाँ पे जैसे जैसे जो जो मुझे न्यूट्रिशन चार्ट मिला, जैसे जैसे डाइट कही कि ऐसे डाइट लेनी है या वाटर लेवल जो भी मतलब बताया गया उसे मैंने फॉलो किया और अपने हेयर्स तो इम्प्रूव किया ही किए, स्कैल्प हेयर तो इम्प्रूव किया, उसके साथ साथ वेट भी इम्प्रूव हुआ और अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। अभी जो भी है स्टाइल या जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं, हेयर्स ओपन करना चाहे, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना चाहे तो भी कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। मैं हार्टली थैंक्स करना चाहूँगी सत्संगी, डॉक्टर सत्संगी और उनकी टीम को कि उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया और इतना मुझे इम्प्रूव किया कि आज मैं कॉन्फिडेंटली रह सकती हूँ। और मैं अपने जैसे कई पेशेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ का बेनिफिट, यहाँ के ट्रीटमेंट का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।